को गिफ्ट आते थे उनका क्या, जो नवाज शरीफ बाहर से फंडिंग लेता था उनका क्या, जो रॉ से फंडिंग लेता था उनका क्या, जो सीआईए से फंडिंग लेता था उनका क्या? आप इस घड़ी की बात करते हैं इधर बैठ के। इनको 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 लगता है कि हिंदुस्तान से बहुत ज्यादा इनको फिक्सेशन है तारीफ करने में। प्रोफेसर कादिर खान साहब वापस आपको फ्लोर दूंगी, लेकिन लेकिन कुछ लोगों को भारत से फिक्सेशन है, कुछ लोगों को सपने में भी भारत ही दिखाई देता है, जब वो सियासत भी करते हैं तो उसमें भी वो भारत की ही बात करते हैं। तारीफ फतेह है ना, तो चिढ़ जाते हैं कि हमें क्यों नहीं देते, हमें को भी हमें भी चाहिए प्लीज, ये इंडिया पैसे क्यों बांट रहा है। जहालत की बात है ये, पता नहीं कब से मैं 10-12 साल की उम्र से सुन रहा हूँ इंडिया इंडिया इंडिया, जान को आ गया, हिंदुओं से दुश्मनी, इंडिया से दुश्मनी, और उसी में हर कोई जीत जाता है। शक्ल बना के आते जान को तो हमारे को चाहिए यार, इतनी है तो आओ ना इधर, पाकिस्तान आओ ना, पाकिस्तान आओ। मैं देखिए तू भी पाकिस्तान में खड़ा रहता है, वहां बैठ के तो हर कोई बकवास कर रहा है ना, वहां बैठ के तो हर कोई बकवास कर लेता है, क्यों दिन रात निकल चलते होते हैं जनरल बाजवा, आईएसआई, पाकिस्तान आर्मी, इमरान खान, ये दिन रात फॉर्म में क्यों आ रहा होता है? बेचारे तुम लोग नौकरी क्या ढूंढो, क्यों कर देते हो ट्विटर पे, ट्विटर पे क्यों ब्लॉक कर देते हो लोगों को, बात क्यों नहीं सुन सकते इंडिया नेटवर्क के ऊपर, बात क्यों नहीं सुन सकते, ऐसी करते हैं ना, बातें ही नहीं आती, तुम तो सिर्फ बातें वो करते हो जो तुम्हें पीठ, अरे काम है आप जैसे चोरों को एक्सपोज करना, आप जैसे चोरों को एक्सपोज करना जो भैंस बकरी बेचते हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस और गड्ढे बेचते हैं, सारी दुनिया जानती है टेररिस्ट कंट्री जो है वो सारी दुनिया जानती है, टेररिस्ट प्राइम मिनिस्टर किस कंट्री का है सारी दुनिया जानती है, गुजरात में मासूम लोगों को कौन मारता है सारी दुनिया जानती है, कौन मारता है सारी दुनिया जानती है, कश्मीर में निहत्ते लोगों का कत्ल कौन करता है सारी दुनिया जानती है, अपने गिरबान में जाओ ना देखना क्या दूंगा अपने वहाँ क्या हो रहे हैं, क्या कहा आप, लेक्चर दे रहे हैं अयाब अहमद, आप लेक्चर देने आए हैं डेमोक्रेसी पे, टेररिज्म पर आप लेक्चर देंगे और इस देश के करोड़ों दर्शक आपका लेक्चर सुनेंगे, आपका लेक्चर सुनेंगे, आपकी कोई आपके देश में नहीं सुनता, और पहले जाकर आप बात कीजिए एफएटीएफ से, एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्या कर रहा है, रोज आप पर खतरा मंडराता रहता है ब्लैकलिस्ट होने का, ओसामा बिन लादेन कहां मिला था, टेररिज्म पर लेक्चर दे रहे थे ना, ओसामा बिन लादेन कौन सी कंट्री में मिला था, आवाज खोलिए इनकी आवाज खोलिए, ओसामा बिन लादेन कौन सी कंट्री में मिला था, ये अजमल कसाब को किसने भेजा था, हमारा मामला है ओसामा बिन लादेन, ओसामा बिन लादेन, अच्छा ये आपका मामला, यही तो मैं कहना चाह रही हूँ कि आप ही का मामला है, यही मैं कहना चाह रही थी, थैंक यू सो मच दैट यू स्पोक ट्रुथ, अच्छा हुआ आपने कहा कि आपका मामला, यही मैं कहना चाह रही थी कि टेररिज्म आप ही के यहाँ टेररिज्म जन्नत है, और दूसरे देशों को आप परेशान करते हैं, दूसरे देशों की खुशहाली से आपको चिढ़ होती है, आपको जलन होती है, यही कहना चाह रही थी। ये बताइए सैयद सलाउद्दीन कहाँ है, एक सेकेंड, अब आप तथ्यों पे बात कीजिएगा मुझसे, अयाब अभी आप लेक्चर दे रहे थे ना टेररिज्म पर, अयाब अहमद, सैयद सलाउद्दीन कहाँ है, हाफिज सईद कहाँ है, जकीउर रहमान लखवी कहाँ है, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, आप ही के पास है, यही कहना चाह रही हूँ, यही कहना चाह रही हूँ, हमारे पास है, हम भाई हम जानते टेरर का इंफ्रास्ट्रक्चर आप ही रोक रखते हैं ना, भारत अपनी दहशतगर्दी तो बंद करे, वो आपकी अमानत है, आपकी अमानत है, आपके यहाँ तो उन्हें टेररिस्ट को एसेट माना जाता है ना, आपके यहाँ तो टेररिस्ट ही एसेट है, आपके यहाँ टेररिस्ट ही एसेट है सर, यही आपकी दिक्कत है, और यही आपकी दिक्कत है तारिक फतेह, तारिक फतेह लेक्चर ना दीजिएगा आप अहमद, आपके यहाँ माइनॉरिटीज कितनी कितनी ग्रो की है पूरी दुनिया को पता है, आपके यहाँ ये जो तारिक फतेह जिन्हें आप बार बार जिस तरह से जिस लहजे में तंज कस रहे थे उन पर आपकी पोल खोल देते हैं, इसीलिए बुरे लगते हैं ना, इसीलिए चुपते हैं आपको, तारिक फतेह देखिए पाकिस्तान का किसी वक्त भी मौका मिल सकता है टू टेक द राइट स्टेप, एंड इस वक्त जैसे जब ऑपोजिशन कर रही है इसके अंदर एक